यहीं से अभी जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 13,480 पर कारोबार कर रहा है, 5.5% का ऊपरी सर्किट लग चुका है, और ग्वार सीड का नवंबर वायदा भी देख रहे हैं कि 7,030 पर कारोबार कर रहा है 4% के ऊपरी सर्किट के साथ। अमित जी, आपने जो टारगेट दिया था कि ग्वार गम 13,000 का लेवल टच कर सकता है और ग्वार सीड का 7,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, आज आपके दोनों ही टारगेट अचीव होते हुए नजर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, तेजी और एक्सटेंड होएगी, रैली और अच्छी जाएगी, या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई नजर आ सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, 13,000 का जो एक टारगेट एरिया थी अभी वो फिलहाल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 13,100 से 150 के बीच, और मुझे लगता है ये जो तेजी है ये 14,100 तक एक्सटेंड होगी, यानी करीबन 4% की और तेजी आ सकती है। लेकिन हाँ, उसके बाद मैं डेफिनेटली कॉशन एडवाइस करूंगा, यानी उससे बहुत ज्यादा ऊपर मुझे सस्टेनेबल होता हुआ नहीं दिखता है। वहीं अगर ग्वार सीड की बात करूं तो 7,000 या 7,050 का टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन ये जो तेजी है ये 7,250 से 7,300 यानी लगभग 3% और एक्सटेंड होने के बाद एक बार मुनाफा वसूली दिखा सकती है। तो फिलहाल बाय में रहना चाहिए, डिप्स का यूज कर सकते हैं बाइंग के लिए जब तक ये दो रिस्पेक्टिव टारगेट्स नहीं आते, लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके वेट करना चाहिए। जी,